Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. जी हाँ, किसी ने कितना सही कहा है कि कॉफी पीते पीते आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही ऊंचा हो जाते हैं, एक्चुअली आसमान को छू लेते हैं। और इसीलिए तो हम सुबह सुबह उठ के एक कप फ्रेशली ब्रूड कॉफी खास आपके लिए लेके आते हैं। पर आज तो कॉफी में मजा कुछ और ही है, क्योंकि आज कॉफी पीते पीते जब आप सोच रहे थे कि यार घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, और ज्यादा मैं रोमांटिक कैसे बनूं, ज्यादा पैसा मैं कैसे कमाऊं, बिजनेस को आगे मैं कैसे बढ़ाऊं, इस सभी का जो सोल्यूशन है मेरे साथ है। जी हाँ, क्योंकि मेरे साथ है आज से एक स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है कॉफी के साथ वास्तु के बात विद रेवा कुमार जी। कॉफी टाइम वास्तु विद रेवा कुमार। अभी रेवा कुमार जी के बारे में मैं क्या बताऊं, आपको तो पता ही है, शी इज एन ऑथोरिटी ऑन वास्तु विद मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। साथ ही साथ इनके जो फॉलोअर्स है ना, ये तो वर्ल्ड वाइड है, आप सोच भी नहीं सकते कहां कहां से इनको कॉल्स आते हैं, कहां कहां तक इनके प्रोग्राम्स लोग सुनते रहते हैं। और डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार जो हमारे साथ अभी के अभी है, शी एक्चुअली डज द वास्तु फॉर होम्स, ऑफिसेस, बिजनेस प्लेसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस। क्यों? क्योंकि इनके साथ है इंट्यूटिव पर्सनालिटी, और जहां पे भी ये जाती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज को एकदम सूंघ लेती है। और इसीलिए तो नेगेटिविटी को एकदम दूर हटा के पॉजिटिविटी को एकदम भर भर के लाते हैं आपके जिंदगी में। तो चलिए, ज्यादा देर तक मैं आपको इंतजार क्यों कराऊ, लेट मी वेलकम द वंडरफुल पर्सन, द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार ऑन दिस चलते चलते मॉर्निंग कॉफी। रेवा जी, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? या थैंक यू रेनी, आई एम डूइंग गुड। आपको मेरा बढ़ेर सारा प्यार, और सबसे पहले अपने लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह डायरेक्शंस की तरफ जुड़ ही जाते हैं, और अभी तक तो हम चलते जा रहे थे इवनिंग ड्राइव की तरफ। इवनिंग ड्राइव में भी वी रियली एंजॉयड, बहुत अच्छा रहा वो सफर हमारा। लेकिन अब जरूरी हो गया, मैंने बोला थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं मॉर्निंग ड्राइव की तरफ, जिस समय हम लोग मॉर्निंग कॉफी में आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये होता है थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम। आप कॉफी ले रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो कई सवाल हमारे जहनों में आते हैं, हम पा सकते हैं उनका जवाब अपने घर से जुड़े, अपने वर्क से, रिलेशन से, बिजनेस से। तरह तरह की कई बार हमारे साथ में लाइफ में रिनी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अच्छा भी होता है बुरा, सब दोनों चलता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन फिर भी हर किसी का एक ही ख्वाहिश होता है टू गेट द बेस्ट ऑन दिस लाइफ, एंड आई ऑलवेज से लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, यही हमारा एक ही फोकस, यही हमारा प्रिंसिपल है डिवाइन वास्तु का। तो क्यों नहीं मॉर्निंग कॉफी में अब हम आपके साथ जुड़ा करूंगी। रिनी लेकर आती है मेरे को आज से वेडनेसडे 10:15 to 10:45। ये आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। जी हाँ रेवा जी, मैं यही बताना चाहती हूँ अपने लिसनर को कि एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी सॉन्ग है जिनका धुन ऐसा ही है कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। पर मैं तो कहती हूँ कि अगर आप रेवा कुमार के साथ हो जाए ना, तो ऑफकोर्स आपको भी मिल सकता है वही प्यार, वही दौलत, वही शोहरत और वही खुशी इन योर जिंदगी। जी हाँ, तो जिंदगी में खुशियां लाने के लिए ऑफकोर्स यू नीड टू गो टू द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। और रेवा जी प्लीज मुझे एक मिनट दीजिए, आपके बारे में मुझे कुछ बोलना है। मुझे पता है आप ज्यादातर नहीं बोलते ये बातें, पर मैं बताना चाहती हूँ कि यू नो लिसनर्स, रेवा जी हैज बीन पब्लिकली ऑनर्ड एंड अवार्डेड विद कैलिफोर्निया स्टेट सेनेट सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर हर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड कमिटमेंट इन द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी एंड बियॉन्ड। साथ ही साथ शी वॉज ऑल्सो पब्लिकली कन्फर्ड विद अ
certificate of recognition by California Legislature Assembly in honor and special recognition for her various contribution in promoting and preserving the culture, values and traditions of India in the larger Bay Area community. Saath hi saath aur bhi bahut sare awards hai. Agar main awards ke bare mein baatein karne jaau to shayad is show mein bas uske bare mein hi baatein chalte rahenge. Par main to yahi chahti hu ki hamare listeners jo hai, agar wo bhi koi bhi vastu se related sawal रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं. 5107701550 है हमारा नंबर. रेवा जी, मॉर्निंग कॉफी में तो बहुत ही पावर है क्योंकि धूप जो है इसकी एक पावर है और कल ही मैंने कृष देखा मूवी, वहां पे भी धूप के बारे में बहुत कुछ है. तो ये धूप रहते रहते मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि डिवाइन वास्तु है क्या? डिवाइन वास्तु इज दी साइंस which helps to balance between human life and the nature. क्योंकि रिनी पूरा यूनिवर्स जिसको आप कह सकते हैं कि हर किसी, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ फाइव फंडामेंटल एलिमेंट्स जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं. दीज आर अर्थ, वॉटर, फायर, एयर एंड द स्पेस. तो जितना भी इंटायर यूनिवर्स है वो इन्हीं फाइव एलिमेंट से ही बना है. Every substance utilized to develop a building is very important because the sun and its rays, they are having a cosmic energy jo hamare sabhi planets ke sath mein judi hai, and there is a gravitational force of the earth is also related to the direction. To iske liye bahut zaruri depend karta hai because these all things influence the building where we live or where we work. Because vastu, divine vastu, is a holistic discipline of architect principles. This is a more than 5,000 year old Indian ancient architect science. जिसके हम कहते हैं five basic elements हैं, eight directions हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे अर्थ के साथ में जुड़ी हुई है, जिसको हम प्लैनेट्स के साथ लेके चलते हैं, वो हमारी लाइफ को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देती है. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लिसनर्स दैट वी शेप आवर बिल्डिंग्स एंड देन द बिल्डिंग शेप्स अस. मीन्स कि जो भी हम अगर अपनी बिल्डिंग को जैसे भी अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स बनाते हैं, इन्हीं फाइव एलिमेंट्स को नजर रखते हुए डायरेक्शंस के साथ में रिलेट करते हैं, तो यही बिल्डिंग से हम अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स पाते हैं. तो मेरा ये जो ट्रस्ट है वास्तु शास्त्र के साथ, फॉर दैट इज मोस्ट मोर देन 28 ईयर्स, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी इसी पूरी जर्नी में मैंने जो भी सीखा है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी रिसर्च किया है, उसमें मैं आपको हेल्प कर सकूं. क्योंकि व्हाट, वेयर एवर वी आर स्टेइंग, व्हाई इज अ हाउस, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स में क्लैश हो जाता है, चाहे ओपिनियंस को लेके हो जाए, या इंस्टेबिलिटी आ जाती है करियर में, रेजिडेंस के बीच में, और भी कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और यू वी पीपल सफर फ्रॉम पुअर इम्यूनिटी ऑल्सो. बच्चे हैं वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं स्टडीज में. इसके अलावा दिन रात मेहनत करके भी वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स, लॉसेस, नॉट ओनली इन द ऑफिस, कहीं ना कहीं इवन कि आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल में प्रॉब्लम्स होती हैं, लो सेल्स हैं, पुअर कैश फ्लो है. सो दीज ऑल थिंग्स आर, इफ यू आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स, इट मीन्स कि देयर इज सम वास्तु डिफेक्ट. On that time, divine vastu is always there to take care without doing renovation and the remodeling. यू नो रेवा जी, यही सवाल एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि मुझे जितना तक पता है वास्तु के बारे में, जब भी हम कहते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे बेडरूम जो है वो सही दिशा में नहीं है, हमारा किचन कोई गलत यू नो डायरेक्शन पे है, या फिर हम अपने बिजनेस प्लेस में जहां पे हम लोग बैठ रहे हैं वहां का कुछ प्रॉब्लम है. पर स्पेशली फॉर द ऑफिस गोअर्स, जो हमारे यहां पे बे एरिया में सभी एक्चुअली वर्किंग पीपल है, जहां पे वो बैठते हैं ऑफिस में, दे कैन नॉट चेंज देयर केबिन, तो तब तो वो रेनोवेशन भी नहीं कर सकते कि ऑफिस बिलोंग्स टू समबडी एल्स. तो ऐसा क्या कुछ हो सकता है ताकि वो वहां पे ही बैठे, वहां पे ही बेडरूम रखे, वहां पे ही किचन रखे, बट स्टिल दे कैन गेट द इफेक्ट ऑफ द डिवाइन वास्तु? यस, बिल्कुल रिनी, यही हमारी स्पेशलिटी है कि जहां हम रेनोवेशन नहीं कर सकते वहां पर हम एनर्जी शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं. जैसे कि आप एक ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. दिस इज यूनिक एग्जांपल दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स फाइव बेसिक एलिमेंट्स, जैसे कि वाटर एलिमेंट है, इट इज प्रेजेंट इन फूड, एर्थ एलिमेंट लेते हैं, वाटर एलिमेंट लेते हैं,
एयर एलिमेंट है फायर एंड शोल्डर्स है। जैसे कि अगर आप लेंगे फूड के पास में लेंगे उसको हम अर्थ एलिमेंट ले लेते हैं, फिर हमारे साथ में वाटर एलिमेंट आ जाता है जहां पर आप कह सकते हैं कि किडनी से रिलेटेड हो जाता है। एयर एलिमेंट है दैट इज इन द नेवल में ले जाते हैं, फायर एलिमेंट जो हमारा शोल्डर्स पे है और स्पेस एलिमेंट इन द ब्रेन। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी फाइव एलिमेंट्स की तो क्या होगा, रिटेंशन आ जाती हैं, हेल्थ खराब हो जाता है या डिस्टर्ब होता है। अगर हम इन फाइव बेसिक एलिमेंट्स को अगर प्रॉपर रिजल्ट देते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो अब आपको क्या करना है, जब आपकी भगवान ने करे आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिसिन लेते हैं। ये तो है नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस पोर्शन को काट देंगे या नहीं। उसी तरह से जो हमारा रेजिडेंस है, जो हमारा घर है, होम है, या जो हमारा बिजनेस प्लेस भी है, अगर वहां पर फाइव एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है या एक्सेस है, उनकी वजह से अगर हमारे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वी डोंट हैव टू कट ऑफ दैट एरिया, वी डोंट हैव टू रिमूव दैट पोर्शन फ्रॉम दैट प्लेस, सिंपली वी हैव टू शिफ्ट द एनर्जी विद दिस डिवाइन टेक्निक्स। राइट और रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, अगर आप भी सोच रहे कि आप रेवा कुमार के साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो अभी के अभी तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू 5107701550। रेवा जी देने वाली है जवाब आपके सवालों का। पर अगर आप एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं फॉर योर होम, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर वेयर हाउस, फॉर योर रेस्टोरेंट, तो फिर नंबर है 5108683338। आई रिपीट, इट्स 5108683338। या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। और अगर आप रेवा कुमार के ये जो वास्तु टिप्स है इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो ब्लॉग जो है रेवा जी का वो तो जरूर देखिए, revakumar-divinevastu.blogspot.com। रेवा जी लौट के आ रही हूँ डिवाइन वास्तु की तरफ, कहाँ जाऊंगी, सही दिशा तो यहाँ पे मिलने वाली है। ये बताइए रेवा जी के ये जो डिवाइन वास्तु प्रोडक्ट्स है, अगर हम में से कोई भी इसे चाहते हैं तो आपसे तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं, बट मेरा जो सवाल था उसे यहीं पर रोक लेते हैं क्योंकि हमारे साथ है एक कॉलर। लेट्स टेक दिस कॉल क्विकली। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, ओके, आई थिंक वी हैव जस्ट लॉस्ट दैट कॉल। प्लीज हमें कॉल बैक कीजिए, 5107701550 है हमारा नंबर। एंड यू आर लिसनिंग टू द कॉफी टाइम वास्तु विद रेवा कुमार। 5107701550 हमारा नंबर एंड यू कैन डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन टू द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार, बताइए। यस, आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट वास्तु। I wanted to find out about, there are two questions. One is negative energy. They talk about negative energy in a house. How does negative energy come into the house? The second question is, which direction should our head be? Thank you. थैंक यू डियर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी हाँ, आपने कहा द नेगेटिव एनर्जी। द नेगेटिव एनर्जी कम्स, सपोज वी आर हैविंग द फाइव एलिमेंट्स, इट इज द एयर, वाटर, अर्थ, फायर। हेलो, हेलो, ओके, आई थिंक वी हैव जस्ट लॉस्ट दिस कॉलर, बट नेवर माइंड, हम उन्हें वापस ला सकते हैं रीवा जी के साथ भी। तब तक यू नो व्हाई डोंट आई टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर। Yeah, I was on that call, you know, I thought, I'm sorry, I hung up the phone. So that was my question. How does negative energy come in house? And also, secondly, when we sleep, which direction should our head be turned to? Okay, sir, you can take this answer off air. I think we have just lost Reva ji also. So I'll get her back in a minute. Tab tak kyun na aap sunte rahiye thoda sa commercial. Hum lenge commercial break aur wapas layenge Reva Kumar ko. Saath rahiye, sunte rahiye, chalte chalte Morning Coffee with Rini Jija. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.